कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? ओके, वेरी गुड। हमेशा स्माइल करते रहना है, ठीक है? ओके बच्चों, आज आपका क्या है, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। मैंने बताया था आपका जो डिक्टेशन से ही आपका चैप्टर लास्ट हो जाता है, यानी कि जैसे ही वाक्य ज्ञान खत्म होता है, इसका मतलब कि अब आपका क्या है, वो समाप्ति की ओर है, ठीक है, एंडिंग की ओर है आपकी चैप्टर, ठीक है। तो वाक्य ज्ञान के बाद आपने पढ़ लिया है तो फिर आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज के बाद एक छोटी सी टेस्ट देते हो, ठीक है। तो जैसे ही टेस्ट देते हो डिक्टेशन का, तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आज है आपका नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि क्या आपने टू अक्षर पढ़ लिया, थ्री अक्षर पढ़ लिया, अब क्या है फोर अक्षर। तो क्या है फोर अक्षर से बनने वाले सब, तो यानी कि अलग अलग अक्षर को कैसे एक साथ जोड़ करके पढ़ा जाता है, आज हम लोग वो सीखेंगे। जैसे आपने क्या किया था वर्णमाला में, अलग अलग आपने क्या किया था, लेटर यानी कि अक्षर आपने देखा था, वर्ण देखा था, ठीक है। फिर उन अलग अलग वर्ण को आप मिला करके क्या किया था, कंबाइंड दो अक्षरों से बनने वाले शब्द आपने देखा था, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें एक और इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, तीन हो गए, ठीक है। तो धीरे धीरे अलग अलग अक्षर को मिलाकर के आपने तीन अक्षरों से बने शब्द आपने देख लिया, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी में एक और इंक्लूड कर देंगे, यानी कि एक और बढ़ा देंगे अक्षर। तो कितने हो गए टोटल, चार, ठीक। तो चार हो गए, अब हम लोग चारों को मिला करके एक साथ एक नया शब्द बनाएंगे। तो वो नया शब्द कैसे बनता है, पहले हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद उस शब्द का अर्थ हम लोग देखेंगे, ठीक है, विद पिक्चर फ्लैश कार्ड के द्वारा। तो हम लोग बच्चों चलें पढ़ने, ठीक है। तो अपने साथ क्या करना है, हमेशा की तरह अपनी कॉपी, पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर हमेशा अपने पास साथ में रखना है, ताकि आप पढ़ते या लिखते समय डिस्टर्ब ना हो, ठीक है बच्चों। तो हम लोग चले लिखने के लिए। ओके चलो बच्चों, यहाँ पर आपके चार अक्षर वाले शब्द, ठीक है, दिखाई दे रहा है चार अक्षर वाले शब्द। यहाँ पर आप देख रहे हो क्लाउड है, यानी कि बादल, और अलग अलग बादल में दो दो अक्षर लिखी हुई है, ठीक है। उस दो अक्षर को क्या करना है, मिला करके एक जगह पर लिखनी है, ठीक है। ये इसीलिए है क्योंकि इसमें आप चार अक्षर को कैसे पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया दो अलग अलग अक्षर में, ठीक है। क्योंकि एक बार में तो आप पढ़ नहीं सकते हो, का टहल नहीं पढ़ सकते, का टा कट हला हल, तो क्या हो जाएगा, का कट हल, ठीक है, कटहल। तो ये क्या है, का यहाँ पर प्लस टा, यानी कि सारे अलग अलग अक्षर हैं, उन सारे अलग अलग अक्षर को कैसे आप पढ़ोगे, कैसे लिखोगे, तो उसको मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो का टा कट को एक जगह मैंने कर दिया और हला हल को एक जगह लिख दिया है, ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सको। तो क्या हो गया, कट हल, क्या हो गया, इसको आप लिखो कट हल, ठीक है बच्चों। इसी तरह से यहां पर क्या है, टमाटम टमाटम, तो ये क्या हो गए, टमाटमा, क्या हो गया, टम टम, दो दो अक्षर तो आपको आता है पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ो टमाटम टमाटम टम टम, ठीक है बच्चों। अब आपने दो देख लिया है, मैंने दो आपको बताया है, दो क्या करना है आपको करनी है, दो क्या करना है आपको करनी है। तो आपको मैं यहां पे पढ़ के बता दे रही हूं, ये है ता, ये है रा, तो क्या होगा, तारा तर, और काश क्या होता है, आपको यहां पर लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चार अक्षर के शब्द में आपको तारा काश यहां पर मिला करके आपको लिखनी है, जैसे मैं बनाई हूं बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखनी है। तो ये दोनों आपके क्या है, होमवर्क, कितना आपको समझ में आता है ये मैं देखना चाहती हूं, ठीक है। अब नीचे वाले देख लो क्या लिखा हुआ है, बारा, ठीक है, बराबर, तना तन, तो आपको यहां पर क्या आएगा,
तो आपको इस लाइन पे आपको लिखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ताकि यहाँ पर आप लिखो आपको कितना समझ में आया है। तो एक क्लाउड में क्या है, एक बादल में क्या लिखा हुआ, बराबर, और दूसरे क्लाउड में क्या लिखा हुआ है, ताना तन। तो आपको एक साथ मिलाकर के लिखना, ये नहीं कि कोई भी क्लाउड आप पहले पकड़ लो बादल, ठीक है। आपको यहां से लेफ्ट साइड से पहले अक्षर से यानी कि पहले वर्ण से आपको शुरू करते हुए जाना है और राइट साइड के लास्ट अक्षर तक आपको लिखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कटहल का मतलब होता है क्या, वेजिटेबल, जो आप पढ़ चुके हो, जैक फ्रूट, ठीक है। टमटम क्या होता है आपका, जैसे बुलक कार्ट होता है ना, टांगा होता है, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं, टांगा वर्ड इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, जो जिसमें घोड़ा जो होता है वो चलाता है, ठीक है। तरकश यानी कि तीर जो होती है ना, तीर धनुष रखने वाली वो तीर, ठीक है, वो है तरकश। बर्तन, बर्तन का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, वेसल जो इंग्लिश में होती है, ठीक है, थाली प्लेट ग्लास चम्मच जो भी है आपके, वो सारे क्या होते हैं, बर्तन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कुछ फ्लैश कार्ड के द्वारा हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपने ये देख लिया, ये आपका दोनों होमवर्क है, और हम लोग चलिए कुछ फ्लैश कार्ड के द्वारा हम लोग और भी आगे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, आप देख सकते हो ये मेरे पास फ्लैश कार्ड है, चार अक्षरों से बने शब्द, ठीक है बच्चों, विद पिक्चर के द्वारा। तो पहला अक्षर क्या लिखा है, आ, दूसरा क्या है, ज, उसके बाद क्या है, ग, फिर र। तो सबको मिलाकर के क्या होता है, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहां से आ ले लो, प्लस को नहीं लिखनी है, मैंने बताया था, ज, ग और र। तो जैसा आपको मैंने बताया था कि चार अक्षरों को दो दो अक्षर करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। पढ़ने का तरीका वही है, आ जा अज, गारा गर। तो इन दोनों को पहले एक साथ पढ़ो, आ जा अज, गारा गर, क्या हो गया, अज गर। तो अजगर मतलब क्या हो गया, ये रहा अजगर, स्नेक। तो अब पिक्चर के द्वारा आप देख रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छा सा समझ में आ रहा होगा। तो ये है चार अक्षर से बने शब्द, काउंट करो, वन टू थ्री एंड फोर अक्षर है, ठीक है। वन टू करोगे तो दो अक्षर हो जाएंगे, वन टू थ्री करोगे तो थ्री अक्षर हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर एक और इंक्लूड हो गए तो ये फोर अक्षर हो गए हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने अजगर देख लिया, अब क्या है, ये देखो दूसरा पिक्चर, ये है, ये भी चार अक्षरों से बने शब्द हैं, फोटो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, प न घ ट, ठीक है, क्या है, प न, यहां से घ और ट, क्या हो गया बच्चों। तो फिर इसको दो दो करके पढ़ो, पाना पन घाटा घट, क्या हो गया, पनघट, ठीक है, पनघट। पनघट मतलब यहां क्या है, ये देखो क्या है, ये कुआं है ना, वेल, वहां से क्या, उसको क्या बोला जाता है, पनघट, जहां से पानी भरने के लिए जाते हैं, ठीक है, कुएं पर, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पनघट, ठीक है बच्चों। ये देखो एक और है फ्लैश कार्ड, ये भी चार अक्षरों से बने शब्द हैं, फोटो दिखाई दे रहा है आपको, यहां से ले लो, ट म ट मा, क्या हो गया, यहां से ट ले लो, यहां से मा पिक करो, फिर ट फिर मा, तो क्या हो गया, इन चार अक्षर को भी दो दो करके पढ़ो, टमाटम टमाटम टमटम। तो ये देखो टमटम क्या है, मैंने आपको बताया था कि टमटम बुलक कार्ट या टांगा होता है, जो कि घोड़े से या फिर बैलगाड़ी के द्वारा चलता है, ठीक है, इसको बोला जाता है टमटम, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं टमटम, अगर ये मैं फोटो दूंगी तो आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, टमटम, ठीक है बच्चों। ये देखो ये क्या है, ये भी चार अक्षरों से बने शब्द हैं, आ च क न। अब यहां से आ ले लो, च क और न, ये सारे प्लस को आपको नहीं लिखनी है। तो अब पढ़ के देखो क्या है, दो दो अक्षर करके, आ च अच कना कन, अच कन, दो शब्द को एक साथ पढ़ना है, अच कन अचकन, अचकन का मतलब होता है कोट, क्या होता है अचकन का मतलब, कोट, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं ये पिक्चर दूंगी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अचकन, आई बात समझ में। अब ये देखो, इसको तो आपको समझ में आता ही होगा,
ये क्या है? ये तो आप पढ़े हो, चार अक्षरों से बने शब्द, श ल ज म, शलजम। तो यहां पर सलगम भी लिखते हैं, शलगम, ठीक है। तो यहां ग भी हो सकता है, ज भी हो सकता है। तो ये श को उतार दो, ल ज और म, अब दो दो अक्षर करके पढ़ो, शल जम, शल श, टंग अंदर रहेंगे, शलजम, ठीक है। तो शलजम देखो क्या है, टर्निप आपके है ना, इंग्लिश में टर्निप बोलते हो, हिंदी में शलजम या फिर शलगम। ग और ज दोनों ही उच्चारण किया जाता है, दोनों ही सही है, ठीक है बच्चों। तो आपने इस तरह से फ्लैश कार्ड से देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग कुछ कॉपी की ओर पढ़ते हैं, कुछ और नए शब्द हम लोग जानते हैं, ठीक है बच्चों। कॉपी में हमने सी डब्ल्यू लगा रखा है, 1313 5 2 1 21। ये क्या है? बिना मात्रा का है, ठीक है। जो भी आप दे रहे हो इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, यानी कि अभी तक आप जो फॉर्म पढ़ रहे हो वो अ से अनार वाला फॉर्म का ये सारे अक्षर हैं, सिंगल अक्षर हैं, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है, ठीक है। मात्रा अ के जितने सिंगल यानी कि अकेला वर्ण से आप जो बना सके हो, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, यहां तक आपको पढ़ना है। इसके बाद अब जब आप आगे पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे? मात्रा से पढ़ोगे, ठीक है, मात्रा की सहायता से। अभी आप क्या पढ़े हो? बिना मात्रा के, ठीक है। तो बिना मात्रा के ही क्या है, ये चार अक्षर से बनने वाले शब्द हैं, उसको क्या करना है? जोड़ कर लिखना है। तो पहला क्या है? आ ज ग र, दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट हैंड का मैंने बोला था यूज करने के लिए, आ ज, यहां देखो ज लिख दी हूं, फिर ग, ग लिखा हुआ है, फिर र, अजगर, ठीक है बच्चों। सेम सेकेंड ऐसे ही क ट ह ल, तो अलग अलग करके लिखो, क फिर लेफ्ट फिंगर रखो यहां पर, ट फिर लेफ्ट फिंगर, ह फिर ल, क्या हो गया? कट हल। आप एक साथ पढ़ो, दो दो करके पढ़ो आप, ठीक है, कट हल, ठीक। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखो आप, अध अध र का रक, तो अ यहां पर है, फिर द फिर र फिर का, अदरक। तो कभी भी आप जोड़ कर लिखो, एग्जाम में पूछा जाएगा, तब आप ये प्लस और ये एरो का साइन आप मत देना, ठीक है। सिर्फ आपको यहां से वर्ण यानी कि अक्षर लेना है और एक कंप्लीट शब्द बनाना है, ऊपर से आपको स्लिपिंग लाइन देना नहीं भूलना है। आपके बुक में भी है क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक किए हैं अभी तक, अलग अलग बॉक्स को अलग अलग ही तरीके से लिखे हैं, ठीक है, इतना पढ़ाने के बावजूद। तो आप ध्यान से देखिए मेरी वीडियो, अगर समझ में नहीं आती है तो आप उसको क्लियर कीजिए, ठीक है बच्चों। फोर्थ नंबर देखिए, ब र ग द, कैसे पढ़ेंगे? ब को यहां लिखी हूं, फिर र फिर ग फिर द, क्या हो गया? बराबर, ग द गद, बरगद, ठीक है बच्चों। फिफ्थ नंबर देखो आप, ख ट म ल, ठीक है, कैसे लिखे हैं? पहले ख को यहां लिख दी हूं, फिर ट फिर म फिर ल, ठीक है। अक्षर आपको फिंगर वहीं पर रखना है और जहां पर आपकी फिंगर होगी वही अक्षर को आपको उठा के यहां पे लिखनी है, ठीक है। मां है तो मां लिखनी है, फिर यहां ला पर फिंगर है तो ला लिखनी है। तो क्या हो गया? दो अक्षर पढ़ो, खट मल, क्या हो गया बच्चों? खटा खट माला मल, खट मल, ठीक। सिक्स नंबर क्या है? आ च क न, अचकन, यहां देखो, आ च क न, अचकन, दो दो अक्षर करके पढ़ो, अचकन, ठीक। सेवन नंबर देखो, त र क श, क्या हो गए? तरकश, ठीक है बच्चों, तरकश। एट नंबर में क्या है? क स र त, क स र त, कसरत, क्या है? कसरत। ये है सब्जी वाला स और ये है श, शलजम वाला श, ठीक है। तो इस श में टंग अंदर जाता है, आपको बताई थी मैं अभी। अब क्या है देखो यहां पर, श ल ग म, शलगम। तो बुक में कहीं कहीं शलगम भी लिखा रहता है, इसलिए मैंने सही लिखा है,
शलगम, ठीक है। आपके फ्लैश कार्ड में ज भी है, कहीं कहीं पर आप ज भी देखोगे, इसीलिए दोनों ही सही हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कट आपका नंबर कट नहीं करूंगी क्योंकि दोनों ही आंसर सही है। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पर ग लिखूंगी तो आपको यहाँ ग लिखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर ज लिखूंगी तो आपको यहाँ पर ज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान दे करके लिखना है, ये नहीं कि क्वेश्चन में कुछ भी है और आपको याद है तो आंसर आप कुछ भी लिख दो, तब नंबर हो जाएंगे कट, ठीक है। तब आप ये मत बोलना कि मैम आपने तो ज और ग दोनों सेम बताया था, तो आपको क्वेश्चन देख के भी लिखना है बच्चों, ठीक है, कि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर ग लिखा है तो आपको ग लिखना है, ज लिखा है तो आपको ज लिखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थ र म स, क्या हो गया, थ र म स, थर्मस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, ब र त न, ब र त न, अब एक साथ पढ़ो, बराबर ताना तन, बर्तन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने दूसरे पेज में लिखा है, जैसे मैंने मेरे पेज क्या हो गए, फिल हो गए हैं लास्ट तक, ठीक है। तो आपको यहीं पर छोटे छोटे बगल में नहीं लिखना है बल्कि नेक्स्ट पेज में लिखना है, जैसे मैं लिख रही हूं, ठीक है। ये देखो 12 नंबर मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है, ठीक है। ये क्या है 12 नंबर में, स र क स, अब यहां देखो आप, स र क स क्या हो गए, यहां देखो स र क स, स र क स, अक्षर पढ़ो, सर्कस, ठीक। 13 नंबर में क्या है, प न घ ट, मिला के देखो, प न घ ट, पनघट, ठीक। नेक्स्ट आओ, इसको पढ़ने का तरीका यही है, दो दो करके पढ़ना है, चार अक्षर को दो दो करके पढ़ना है, प न पन घटा घट पनघट, ठीक। श र ब त क्या हो गया, यहां से मिलाओ, श ये र ब त, शर बत, शर शर बता बत, तो भूलना नहीं है, शर बत, ओके। नेक्स्ट 15 नंबर क्या है आपके, द मा दम क ला कल, अब आंसर देखो, द मा क ला दम कल, ठीक है बच्चों, द मा दम क ला कल दम कल, ठीक है बच्चों। आपको आंसर दिख गया, कैसे आपको लिखना है, ये सारे बीच बीच में जो प्लस के साइन है और एरो है ये आपको नहीं लिखनी है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसके अर्थ आपको बता दूं, ठीक है। ये है क्या, अजगर, आप मेरे साथ साथ बोलो, अजगर, अजगर मतलब तो आपको पता है स्नेक होता है, ठीक है, अजगर। सेकेंड क्या है आपके, कटहल, कटहल क्या है, वेजिटेबल है, जैक फ्रूट, ठीक है। उसके बाद क्या है ये आपका, अदरक, अदरक मतलब आपको पता है जिंजर, ठीक है, जो कि आप वेजिटेबल मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है, ईवीएस की क्लास में। तो ये क्या है, अदरक। ये है बरगद, क्या है, बरगद, बरगद यानी कि बैनियन ट्री, ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बैनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़, बहुत बड़ी ह्यूज पेड़ होती है वो, ट्री होती है, ठीक है, वो पीपल के पेड़ के जैसे होते हैं, जैसे पीपल के पेड़ होते हैं ना वैसे ही। ये है खाटा माला खटमल, खटमल एक इंसेक्ट है जो बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, ब्राउन कलर की टाइप की होती हैं, ठीक है, वो काटती भी है, वो छोटी सी इंसेक्ट होती है, यानी कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना वो है, छोटी कीट। आचा कना अचकन, अचकन मैंने अभी जस्ट आपको फ्लैश कार्ड में आपको दिखाया है, अचकन का मतलब कोट होता है। तरकश तरकश, तरकश भी क्या होता है, आपके जो एरो होते हैं ना तीर, वो है तरकश, ठीक है। कसरत कसरत, कसरत का मतलब एक्सरसाइज करना, ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हो ना, रोज सुबह उठ करके जंप करना, एक्सरसाइज करना, उसको बोलते हैं कसरत करना। शलगम शलगम यानी कि टर्निप, यानी कि क्या है आपके, शलगम या सलजम, ठीक है, टर्निप इंग्लिश में बोलते हैं। थरमस थर्मस यानी कि बॉटल जो होते हैं जिसमें हॉट वाटर या कोल्ड वाटर को रखा जाता है, ठीक है, आप स्कूल के टाइम में बॉटल लेकर के आते हो ना, उसको क्या बोला जाता है, थरमस थर्मस,
ठीक है, ये क्या है, बरतना बर्तन, बर्तन मतलब कि मैंने आपको बताया है बर्तन का मतलब होता है कि जो भी थाली प्लेट ग्लास चम्मच है वो सारे बर्तन में काउंट होते हैं। ठीक है, अब क्या है बच्चों नेक्स्ट, सरकसा सर्कस। ठीक है, तो सर्कस शायद आप लोग बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे चाहे बहुत सारे बच्चे नहीं देखे होंगे, वो एक प्रकार का एक्ट होता है जो कि एक जगह पर वहां पर क्लाउन आते हैं यानी कि जोकर आते हैं। ठीक है, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, बहुत हर तरह का गेम कराया जाता है वहां पर। ठीक है, दिखाया जाता है तो उसको बोला जाता है सर्कस। ठीक है, वहां पे एनिमल्स अलग अलग तरीके से उनको जैसे कमांड किया जाता है ना, जैसे बोला जाता है एनिमल को बैठो तो वो बैठ जाते हैं, खड़े हो तो खड़े हो, बोला जाता है उनको डांस करो तो वो लोग डांस करते हैं, तो वहां पर दिखाया जाता है। अगर बच्चों आप सर्कस नहीं गए हो कभी तो अभी कोरोना का टाइम है, जब खत्म हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप लोग सर्कस देखने जरूर जाना। ठीक है, बहुत अच्छी है सर्कस, मैंने देखा है कई बार देखा है इसलिए मैं बता रही हूं कि सर्कस वही होता है। ठीक है, अब है पनघट। पनघट मतलब आपने फोटो के द्वारा आपने देखा है कि पनघट कैसे आप कुएं के पास पानी भरने जाते हो तो उस जगह को क्या बोला जाता है, पनघट। ठीक है, जहां पे कुएं पे पानी भरा जाता है उसको क्या बोला जाता है, पनघट। ठीक है, शरबत, तो शरबत का मतलब जूस। ठीक है, आप शरबत लेकर के आओ, मैंगो का शरबत लेकर के आओ यानी कि मैंगो जूस लेकर के आओ। ठीक है, वाटरमेलन का शरबत लेकर के आओ यानी कि तरबूज का शरबत लेकर के आओ यानी कि वाटरमेलन जूस लेकर के आना है। ठीक है, तो शरबत, शरबत का मतलब होता है इंग्लिश में जूस। ठीक है, ये है दमकल, दमकल, दमकल का मतलब होता है फायर। ठीक है, फायर ट्रेन होता है ना, फायर ब्रिगेड ट्रेन, जैसे आग बुझाया जाता है। ठीक है, जिसमें कहीं आग लग जाती है, ठीक है, कहीं पर शॉप में दुकान में चाहे कहीं पेड़ पर कहीं भी लग गई आग तो दमकल को बुलाया जाता है। ठीक है, तो हिंदी में बोला जाता है दमकल, क्या बोला जाता है, दमकल, दमकल। ठीक है, उसमें बहुत सारी पानी रहती है, पानी की टंकी रहती है, तो उनको इमिडिएटली कॉल करके बुलाया जाता है कि यहाँ पर आग लग गई है, तो वो उनको आते हैं, ये दमकल आते हैं और जहां पर आग लगी है उससे उसको बुझा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको बोला जाता है दमकल, दमकल। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं लिखी हूं जस्ट लाइक आपको ऐसे ही पढ़ पढ़ के लिखनी है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शब्द ज्ञान पढ़ेंगे। ओके ओके बच्चों, तो बच्चों आपने देख लिया चार अक्षर से बने शब्द। ठीक है, आपने क्लाउड के रूप में भी देखा है कैसे चार अक्षर को पढ़ा जाता है, आपने उसको पढ़ना और प्लस लिखना सीख लिया है। ठीक है, कुछ आपने फ्लैश कार्ड के द्वारा भी सीखा है, विद पिक्चर, फ्लैश कार्ड में आपने देखा है ना पिक्चर में कैसे अलग अलग अक्षरों को जोड़कर लिखा जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी आपने बहुत सारे नए शब्द अपने कॉपी में लिखना सीखा है। तो बच्चों इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना और आपको जोड़कर लिखना पता तो चल गया है कैसे लिखते हैं, हमेशा दोनों हाथ का यूज करना है यानी कि लेफ्ट हैंड से आपको हमेशा फिंगर रखना है, क्या कहां पर, जहां पर आप अक्षर को पढ़ते हो। ठीक है, और राइट हैंड से आपको हमेशा लिखना है। ठीक है, तो जहां पर लेफ्ट हैंड रखोगे उस अक्षर को ही आपको राइट हैंड से लिखनी है। तो ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें आप हमेशा ध्यान में रखना ताकि आप ये एग्जाम में एक भी पॉइंट्स आपके ना जाए। ठीक है बच्चों, तो आपने सीख लिया है, हम लोग कल पढ़ेंगे इनको शब्द ज्ञान यानी कि जो आपने आज जोड़कर लिखा है एक जगह पर। ठीक है, तो उसी के और अच्छी तरह से हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे उसका। ठीक है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है हम लोग ये देखेंगे और जितने शब्द आपने देखा है इसको अच्छी तरह से आपको लर्न करना पड़ेगा। तो हम लोग मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।